Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. ये कहानी 1980 के दशक की है। बांग्लादेश पर सैन्य शासन चल रहा था, बागडोर हुसैन मोहम्मद इरशाद के हाथों में थी। सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह के बराबर था। अभिव्यक्ति की आजादी का नामो निशान तक नहीं था। इसी दौर में एक अखबार चर्चा में आया, डेली संग्राम। ये अखबार इरशाद सरकार का मुखर आलोचक था। उन दिनों अब्दुल कादर मुल्ला डेली संग्राम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हुआ करता था। उसका लिखा लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। अखबार चलाने से पहले मुल्ला की एक कुख्यात पहचान थी। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में वो जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र संघ का प्रेसिडेंट था। उसी दौरान उसने अलबद्र गुट की स्थापना की। ये पाकिस्तानी आर्मी का प्रॉक्सी गुट था। इसने कई स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। मुल्ला को मीरपुर के कसाई के तौर पर जाना गया। फिर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नया मुल्क बन गया। शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने। उन्होंने जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया। मुल्ला की पॉलिटिक्स को गहरी चोट पहुंची, हालांकि उसको कोई आँच नहीं आई। इस बीच 15 अगस्त 1975 की सुबह आ गई। ढाका के धनमंडी के एक घर में नरसंहार हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीब और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद सैन्य शासन शुरू हुआ। मिलिट्री सरकार ने जमात इस्लामी पर लगा बैन हटा दिया। मुल्ला के वारे न्यारे हो गए। वो पार्टी के मुखपत्र डेली संग्राम का संपादक बना। पार्टी में कई अहम पदों पर रहा। सरकार में भी उसकी काफ़ी चलती रही, मगर 2007 में कहानी बदल गई। उसके ऊपर 1971 में किए गए कुकर्मों की गाज गिरी। मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई, अदालत ने मौत की सजा सुनाई। 13 दिसंबर 2013 की रात ढाका सेंट्रल जेल में मुल्ला को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1971 के मुक्ति संग्राम में वॉर क्राइम के दोषी को फांसी दिए जाने का पहला मामला था। ऐसा गुनाह के 42 बरस बाद हुआ था। पाकिस्तान, कतर और तुर्की समेत कई देशों ने इसकी निंदा की। कहा यह गलत है, इससे माहौल बिगड़ सकता है, मगर बांग्लादेश सरकार नहीं मानी। आने वाले समय में जमात इस्लामी के कई और दिग्गज नेताओं को सजा हुई। कुछ अहम नेताओं के नाम हम आपको बता देते हैं। मोहम्मद कमरुज़्ज़मान जमात इस्लामी के महासचिव रहे। 11 अप्रैल 2015 को ढाका की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। अली अहसन मोहम्मद मुजाहिद 2001 से 2007 के बीच बांग्लादेश के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे। 22 नवंबर 2015 को मौत की सजा हुई। मतीउर रहमान निज़ामी दो बार के केंद्रीय मंत्री, 2001 से 2003 तक कृषि और 2006 तक उद्योग मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 11 मई 2016 को उन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये जमात इस्लामी के कुछ बड़े लीडर्स थे जिनके नाम चर्चा में आ पाए। इनके अलावा भी सैकड़ों कारकुन ऐसे थे जिन्हें अलग अलग आरोपों में जेल हुई, कईयों को फांसी भी दी गई। इन सब के बावजूद पार्टी की ताकत खत्म नहीं हुई। जमात इस्लामी आज भी बांग्लादेश की राजनीति में अपनी अहमियत रखती है और उसके एक इशारे पर मुल्क थम जाता है। लेकिन जमात इस्लामी की चर्चा आज हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने पार्टी की नियति तय कर दी है, उस पर लगा बैन बरकरार रखा है। दरअसल 2013 में हाईकोर्ट ने चुनाव में हिस्सा लेने और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। 18 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, यानी वो 7 जनवरी 2024 को होने वाले आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी। तो आज के शो में हम जानेंगे जमात इस्लामी की पूरी कहानी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाने से मना क्यों किया और इस कवायद का भारत पर क्या असर होगा। बांग्लादेश के बाद चलेंगे इसराइल, जहां जंग रुकने की उम्मीद बढ़ गई है। हमास ने कहा है कि युद्ध विराम समझौता अंतिम चरण में है। समझेंगे मामला कहां अटका है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी जमात इस्लामी बांग्लादेश की। ये बात आजादी से पहले की है। आजाद भारत में मुसलमानों की क्या भूमिका होगी, उनका मुस्तकबिल कौन तय करेगा, इस तरह की चर्चा बहुत आम थी। इस मुद्दे को चर्चा में रखने वाले नेताओं की भी कमी नहीं थी। ऐसे ही रहनुमा बनने की होड़ में एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, वे मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ मुत्तहिद कौमियत की बात करने वाले जमीयत अल उलेमाए हिंद थी, उनके लीडर हुसैन अहमद मदनी थे। मदनी मुत्तहिद कौमियत की फिक्र रखते थे। अंग्रेजी में कहें तो कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, यानी हिंदुस्तान विभाजित ना हो लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग संस्थान, नियम और व्यवस्थाएं हों। इसी तरह का विचार रखने वाले एक और व्यक्ति थे
अबुल आला मौदूदी। हैदराबाद में पैदा हुए मौदूदी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे, मगर हिंदू महासभा का दखल बढ़ने के बाद वो अलग हो गए। उन्होंने एक अलग विचार का प्रचार किया, हकीमिया। उनका मानना था कि संप्रभुता की चाबी अल्लाह के पास है, इंसानों के पास नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया में इस्लामी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। मौदूदी लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता के भी खिलाफ थे। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग की बैठक हुई, उसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। मौदूदी ने इसका विरोध किया, उनका विचार था कि विभाजन नहीं होना चाहिए, वो मुस्लिम लीग के भी खिलाफ थे। 26 अगस्त 1941 को उन्होंने एक नया संगठन बनाया, नाम रखा जमात ए इस्लामी। संगठन इस्लामी तर्ज पर समाज बनाने की बात करता था। विचारधारा ये थी कि इस्लाम बस उनके लिए नहीं है जिन्होंने मुसलमान परिवार में जन्म लिया है, इस्लाम सबके लिए है और इसके लिए प्रसार होना चाहिए। ये प्रसार किसी आंदोलन से नहीं किया जाएगा, इस्लाम का प्रसार होगा समाज के नेताओं और बड़े लोगों को कुरान और हदीस की तालीम देकर, साथ ही ऊंचे पदों पर जमात के लोगों को बैठाकर। इसका अंतिम मकसद पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का प्रसार करना था। संगठन बनने के महज 6 साल बाद भारत का विभाजन हो गया। मौदूदी पाकिस्तान चले गए, वहां बनी जमात इस्लामी पाकिस्तान, मुख्यालय लाहौर में बना। भारत में बनी जमात इस्लामी हिंद 1948 में इलाहाबाद में इसकी शुरुआत हुई। इसके पहले प्रेसिडेंट बने मौलाना अबुल लाइस नदवी। समय के साथ दोनों देशों में परिस्थितियां बदली, संगठनों का मकसद भी बदला, काम करने के तरीके में भी तब्दीली आई और कई वैचारिक मतभेद भी हुए। जहां मौदूदी पहले लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को गलत मानते थे, उन्हीं की जमात चुनावों में हिस्सा लेने लगी। शुरुआती दौर में पाकिस्तान भारत के पश्चिम में भी था और पूरब में भी। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला बोलने वाले बहुमत में थे, लेकिन सत्ता का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान माने मौजूदा पाकिस्तान था। वे अपनी भाषा और संस्कृति पूर्वी पाकिस्तान पर थोपना चाहते थे। मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। आम लोगों का नरसंहार हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू की। पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान ने आज़ादी की घोषणा कर दी। बांग्लादेश नाम से नए मुल्क की स्थापना हुई। अवामी लीग के शेख मुजीब पहले राष्ट्रपति बने। जमात का बांग्लादेश पर क्या रुख था? मौदूदी के समर्थक पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जगह मौजूद थे। जमात नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान का बंटवारा हो, वे इसे इस्लाम के लिए एक दंश मानते थे और मुसलमानों के बीच फूट के रूप में देखते थे। इसलिए जमात ने पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के साथ खुद को जोड़ लिया और बांग्लादेश की स्थापना के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया। पाक सैनिकों और क्रांतिकारियों के बीच 9 महीनों तक जंग चली। बांग्लादेश कहता है कि इस लड़ाई में 30 लाख लोगों की जान गई, 2 लाख औरतों के साथ बलात्कार हुए और 10 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर चले गए। जमात के लीडर्स पर वॉर क्राइम के आरोप लगे। शेख मुजीब ने राष्ट्रपति बनते ही कहा कि देश और धर्म अलग अलग रहेंगे। जमात पर रोक लगा दी गई। 1975 में सेना ने मुजीब की हत्या कर दी, सत्ता अपने हाथों में ले ली। फिर जमात पर लगा बैन भी हटा दिया गया। हालांकि जमात ने इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए सेना की मुखालफत भी की। 1991 के चुनाव में उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP से हाथ मिलाया। BNP ने चुनाव जीता, खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 1996 में उनकी सरकार गिर गई। 2001 में वापसी हुई, उस वक्त भी जमात BNP के साथ रही। 2006 के बाद अगला चुनाव 2008 में हुआ। सभी पार्टियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया, जमात ने भी पर्चा भरा। चुनाव में 3 सीटें भी मिली, हालांकि बहुमत अवामी लीग को मिला। शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने वॉर क्राइम के दोषी जमात के नेताओं को जेल में डालने का वादा किया। जमात उनके खिलाफ थी, जमात देश का इस्लामीकरण करना चाहती थी और देश में इसके लिए माहौल भी बना रही थी। शेख हसीना इस बात को भांप गई थी। उन्होंने शिकंजा कसने के लिए वॉर क्राइम्स के पुराने केस खोल दिए, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की। पश्चिमी देशों ने ICT का समर्थन नहीं किया, कहा कि इंटरनेशनल मानकों का पालन नहीं हो रहा, लेकिन ICT ने काम करना बंद नहीं किया। इसके तहत जमात के कई बड़े नेताओं को मौत की सजा दे दी गई। इसी दौरान जमात के कई लीडर्स भागकर पाकिस्तान भी चले गए। 2009 में जमात के खिलाफ अदालत में पिटिशन दायर किया गया, कहा गया उनका रजिस्ट्रेशन खारिज किया जाए। 4 तर्क इसके लिए दिए गए। 1, जमात शक्ति का सोर्स लोगों को नहीं मानती, इसलिए संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध करती है। 2, जमात एक सांप्रदायिक पार्टी है। 3, कोई रजिस्टर्ड पार्टी धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, मगर जमात का चार्टर महिलाओं और गैर मुस्लिमों को पार्टी में पद लेने से रोकता है। 4, जमात विदेशी संगठन का हिस्सा है, इसकी पैदाइश भारत में हुई थी और इसकी इकाइयां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा, पूछा कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन क्यों ना रद्द कर दिया जाए, मगर ये जो सुनवाई थी वो टलती गई।
आखिरकार 2013 में फैसला आया, कोर्ट ने पार्टी का पंजीकरण रद्द किया, पार्टी के प्रतीकों का उपयोग करने पर भी रोक लगा दी। हालांकि इसके राजनीति में हिस्सा लेने पर रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन जमात एक दल के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकती थी। जमात 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है इस उम्मीद में कि उन पर लगा ये प्रतिबंध हट जाएगा और वो वापस चुनाव लड़ पाएगी। बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए जमात ने फिर से इस प्रतिबंध को खत्म करने के लिए याचिका दायर की थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जमात की याचिका खारिज कर दी। क्या कहा कोर्ट ने? बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन की अगुवाई में 5 सदस्यों वाली बेंच ने जमात की याचिका की सुनवाई की। जमात के मुख्य वकील कोर्ट में गैर हाजिर रहे। उन्होंने 6 हफ्तों के लिए सुनवाई टालने की अपील की थी, मगर कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त और पार्टी की ओर से दायर अपील दोनों को खारिज कर दिया। एक और जरूरी बात, बैन के बावजूद जमात बांग्लादेश में राजनीतिक रूप से सक्रिय रही है, वो बीएनपी का समर्थन करती आई है। बीएनपी बांग्लादेश में विपक्ष की भूमिका में है, शेख हसीना को सबसे ज्यादा चुनौती सी पार्टी से मिलती रही है। कहा जा रहा है कि जमात भले ही चुनाव में ना उतरे, लेकिन वो इस पर असर पूरा डालेगी। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने विदेश मामलों के जानकार और इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर कैप्टन आलोक बंसल से बात की, पूछा जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर बैन बरकरार रखा गया है, इसका फायदा और नुकसान किसको होगा, बीएनपी के लिए ये कितना बड़ा झटका है? ये पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए कि जमात इस्लामी वो पार्टी है जो बांग्लादेश के की स्वतंत्रता के खिलाफ थी, और इसीलिए जब इसको बैन किया गया तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जमात इस्लामी एक ऐसा दल है जो बांग्लादेश चाहता ही नहीं था, तो इसको होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो वैचारिक विचारधारा है वो भी समस्याग्रस्त है। जमात इस्लामी के पास काडर्स हैं, और इसके जो काडर्स हैं ये सामान्यतः बीएनपी के समर्थन करते रहे हैं, और जो बीएनपी का जो चुनाव प्रचार है, जो बीएनपी को जो वोट मिलते हैं, समर्थन बीएनपी का होने के बावजूद काडर्स जो काम करते हैं वो जनरली जमात के काडर्स काम करते हैं। तो अब अगर जमात को बैन कर दिया गया है तो इसके काडर्स जो है जमात को अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर बीएनपी पूरी तरह से चुनाव में हिस्सा लेती है तो काफी संभावना है कि जमात के काडर्स जो हैं बीएनपी के लिए काम करें। जमात की कई नेताओं पर वॉर क्राइम का दोष साबित हो चुका है, कईयों को फांसी की सजा भी हो चुकी है। एक तरह से पार्टी बांग्लादेश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करती है, फिर भी बांग्लादेश सरकार इस पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है? देखिए, जमात पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन जमात जो है बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसका बहुत इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ तक कि अवामी लीग के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जिनके जमात के साथ छुपे हुए लिंक्स हैं, और इसलिए नेतृत्व, अवामी लीग का नेतृत्व चाहकर भी इसको अभी तक बैन पूरी तरह से नहीं कर पाए। जमात पर प्रतिबंध का भारत पर क्या असर पड़ सकता है, भारत के प्रति इसकी पॉलिसी क्या रही है? कि मैंने कहा ना, ये जमात इस्लामी चूंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के खिलाफ थी तो ये भारत के तो खिलाफ है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये संगठन जब पूरी तरह से खत्म हो जाए तो ये भारत के हित में है। इसके जो समर्थक हैं, ये समय समय पर जो भारत विरोधी प्रदर्शन करते रहते हैं उसमें उसके पीछे ये जमात इस्लामी के ही काडर्स होते हैं। अगर आप बांग्लादेश में कोई भी भारत विरोधी प्रदर्शन देखें, कोई भी भारत विरोधी एक्सप्रेशन देखें, तो उसके पीछे ये जमात इस्लामी का काडर्स ही हो। जमात बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इतनी ताकतवर कैसे बनी? दुर्भाग्य से शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद 1975 से जो भी सरकारें आईं, उनको अपने आप को सत्ता में रखने के लिए उन एलिमेंट्स का सहारा लेना पड़ा जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के खिलाफ थे, जिनके ऊपर किसी भी देश में राजद्रोह का मामला लगकर भेजा जा सकता था। इसका असर ये हुआ कि राजनीति में जो नेता आए उनके पास कोई समर्थन नहीं था, तो उनको जमात के काडर के ऊपर डिपेंड करना पड़ा। सेना के अंदर वो लोग जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़े बल्कि पाकिस्तान के अंदर थे, जो वहां से वापस आए, वो सेना के ऊपर प्रभावी हो गए, और इसके कारण चूंकि अवामी लीग को दबाना था तो जो दूसरा ऐसा दल था जिसके पास काडर्स थे वो जमात इस्लामी था, और ऐसे दलों ने जमात इस्लामी को बढ़ावा दिया, और इसी के कारण जमात इस्लामी की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई, और आज जमात इस्लामी के जो टेंटिकल्स हैं जिसे कहते हैं, उनके जो पांव हैं, वो हर संगठन के अंदर घुसे हुए हैं सरकार के, और इसको निकालना बहुत ही आवश्यक है।
लेकिन सरकार पूरी तरह से इसको कर नहीं पा रही है, क्योंकि आवामी लीग के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जिनके जमाते इस्लामी से छुपे हुए तंत्र जुड़े हुए। एक और फैक्ट आपको बताते हैं, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के संविधान से सेकुलर हटाने के फैसले को अवैध घोषित कर दिया। 1977 में मिलिट्री सरकार ने सेकुलरिज्म को गायब कर दिया था। 1988 में इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। मौजूदा समय में इस्लाम बांग्लादेश का राजकीय धर्म है, मगर देश धर्मनिरपेक्ष भी है। बांग्लादेश का चैप्टर यहीं तक, अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी इसराइल हमास जंग से जुड़ी है। 45 दिनों के बाद पहली बार संघर्ष विराम की उम्मीद तेज हुई है। पहले अमेरिका और अब हमास ने माना कि डील पूरी होने वाली है। हमास के सरगना इस्माइल हानिया ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया, कतर की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है, हमने अपनी शर्तें बता दी हैं, बहुत जल्द समझौता हो सकता है। डील में क्या होगा, अभी तक शर्तों को पब्लिक नहीं किया गया, हालांकि सूत्रों ने कुछ संकेत जरूर दिए हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक 5 दिनों के संघर्ष विराम के बदले 50 से 100 बंधकों को छोड़ा जा सकता है। इसमें कोई सैनिक नहीं होगा, सिर्फ आम नागरिक होंगे। बदले में हमास इसराइल की जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी चाहता है। फिलहाल इस पर कोई अपडेट नहीं है, फाइनल डील का ऐलान कतर करने वाला है। जंग में और क्या हुआ, संघर्ष विराम की उम्मीद के बीच लड़ाई जारी है। इसराइल का दावा, हमास के हमले में 1200 से अधिक लोग मारे गए। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, इसराइल के अटैक में 13,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, इनमें 5,000 से अधिक बच्चे और 3,000 से अधिक महिलाएं हैं। दूसरी सुर्खी इटली से है। इटली के सबसे बड़े कोर्ट ट्रायल्स में से एक ड्रेन गेटा ट्रायल का एक चक्र पूरा हो गया है। 21 नवंबर को स्पेशल कोर्ट ने 230 से अधिक लोगों को कुल जमा 2200 बरस से ऊपर की सजा सुनाई है। ड्रेन गेटा यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े माफिया गिरोहों में से है। यूरोप में कोकीन के 80% कारोबार पर उनका कंट्रोल है। दावा ये किया जाता है कि उनका एक बरस का टर्नओवर 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 2016 में सरकार ने ड्रेन गेटा के खिलाफ मोर्चा खोला। 2500 से अधिक पुलिस ऑफिसर्स ने महीनों तक छापेमारी की। ड्रेन गेटा से जुड़े सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया। 2019 में ट्रायल शुरू हुआ। गिरफ्तार लोगों पर मर्डर, ड्रग तस्करी, फिरौती और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप थे। इनमें कई सरकारी अफसर और इटली के जाने माने लोग भी थे। एक व्यक्ति सांसद भी रह चुका था, उसको 11 बरस की सजा मिली है। सजा भी फाइनल नहीं है, इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना सुनते जाइए, ललन टॉप अड्डा फिर से सज रहा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कला और कलाकारों का साथ तो रहेगा ही, साथ में ललन टॉप की टीम से मिलने का मौका भी होगा। तारीख आप नोट कर लीजिए, 24 से 26 नवंबर 2023। एंट्री का कोई पैसा नहीं लगेगा, बस ऐप या वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।